नमस्कार दोस्तों, आज की प्रेस वार्ता में आप सभी का स्वागत है। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो बेसिकली हमारे लिथियम डिपॉजिट को लेके है, देन उसकी माइनिंग को लेके है, देन लिथियम बैटरी को लेके, फिर उसके बाद लिथियम बैटरी की जो इंडस्ट्रीज है उसको लेके। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमारे रियासी में लिथियम डिपॉजिट पाया गया। अब क्या है कि कभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट वहां पर माइनिंग शुरू कर सकती है। अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मेरी सेंट्रल गवर्नमेंट से, लेफ्टिनेंट गवर्नर से अपील है, जब भी वहां पर माइनिंग हो हमारे रियासी में, तो 90% जो एम्प्लॉयमेंट है हमारे लोगों को, लोको लोगों को मिलना चाहिए। ऐसा कदापि बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि बाहर के लोग, यानी कि जम्मू कश्मीर से बाहर लोग यहाँ पर आए, उनको रोजगार मिले और यहाँ के लोग खाली रह जाए, उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिले। अगेन रिपीट, 90% जो एम्प्लॉयमेंट है हमारे लोको लोगों को मिलना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, मैं कहना चाहूंगा कि ये जो हमारी लिथियम जो होता है, ये बेसिकली लिथियम बैटरी के लिए यूज होता है। लिथियम बैटरी यानी कि आजकल जितने भी गैजेट्स होते हैं, या हमारे इलेक्ट्रॉनिक चीजें होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल ले लीजिए या गैजेट्स ले लीजिए, लैपटॉप हो गया, मोबाइल हो गया, कई सारी चीजें में ये लिथियम बैटरी यूज होती है। अब ये लिथियम बैटरी की मैन्युफैक्चरिंग एक प्लांट होते हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा। बाकी कई जगहों पे लिथियम बैटरी के प्लांट है, ज्यादातर फॉरेन कंट्रीज में आप देखेंगे, हमारे यहाँ पर इंडिया में कम है। अब क्योंकि हमारे यहाँ पर लिथियम पाया गया है, तो मेरी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के जरिए आप लोगों से अपील है, खासकर सेंट्रल गवर्नमेंट और लेफ्टिनेंट गवर्नर से, कि जो भी लिथियम बैटरी के लिए जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हो गए, इंडस्ट्रीज हो गए, वो हमारे जम्मू कश्मीर में ही बनना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर जब इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चरिंग होगी, तो हमारे लोगों को, हमारे जो युवा लोग हैं, पढ़े लिखे नौजवान हैं, उनको यहाँ पर रोजगार मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। आपने देखा हमारे यहाँ पर कई नौजवान पढ़ लिखे बाहर जाते हैं, जम्मू कश्मीर के बाहर जाते हैं, वो उनको वहां पर नौकरी करनी पड़ती है मजबूरन आके। लेकिन जब यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आएगी, यहाँ पर प्लांट बनेंगे लिथियम बैटरी को लेके, और बहुत सारा स्कोप है, तो उसमें हमारे लोगों को, हमारे नौजवानों को फायदा होगा। और दूसरी चीज, जब यहाँ पर प्लांट होगा, यहाँ पर देन इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ेगी, बाइंग सेलिंग होगी, हमारा जीडीपी बढ़ेगा, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। मैं बताना चाहूंगा, हमारे जम्मू कश्मीर की जीडीपी बाकी राज्यों के कंपैरिजन में बहुत कम है। देखिए, मैं वही कहूंगा कि यहाँ पर डेवलपमेंटल जो होती है नहीं हो पा रही है। अब जैसे आपने बात की, यहाँ पर टूरिज्म सेक्टर का बहुत ज्यादा स्कोप है, ठीक है, कश्मीर में है, लेकिन अगर जम्मू डिवीजन की बात करें, देयर इज इमेंस स्कोप ऑफ टूरिज्म। जब आप यहाँ पर हर डिस्ट्रिक्ट में आप टूरिज्म आप डेवलप करेंगे, तो ऑब्वियसली हमारे जो नौजवान हैं, उनको बाहर जाने की इतनी जरूरत नहीं है, उनको यहीं पर रोजगार मिलेगा। जैसे मैंने भी आपको कहा कि जैसे यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनेंगे, तो कितना रोजगार मिलेगा। मैं आपको एक और चीज कहना चाहूंगा, सेमीकंडक्टर पीछे दिनों में तमिलनाडु में एक इन्वेस्टमेंट आई है, 29,000 करोड़ की सेमीकंडक्टर प्लांट यहाँ पे खोला जा रहा है, और इमेजिन कीजिए वहां पर कितना रोजगार आएगा। मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि जो भी हमारे जो गैजेट्स होते हैं, या हमारे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स होते हैं, या इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स होती है, उसमें दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है उसको बनाने के लिए, नंबर 1 सेमीकंडक्टर, और दूसरा लिथियम बैटरी। जब सेमीकंडक्टर का वहां पर हो रहा है, वहां पर तमिलनाडु में, जैसे मैंने आपको बताया, सिमिलरली अगर लिथियम बैटरी का यहाँ पर सेटअप बन जाता है, मैन्युफैक्चरिंग हो जाती है, तो आप इमेजिन कीजिए कितना ज्यादा यहाँ पर रोजगार मिलेगा। तो अगेन मैं फिर से कहना चाहूंगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, देन यहाँ पर जीडीपी बढ़ेगी हमारे यहाँ पर, और डेवलपमेंटल होगी, टैक्सेस आएगी, और यही पैसा जो टैक्सेस है हमारे डेवलपमेंटल काम के लिए यूज होगा।